5 mistakes that beginners do while using grids. Mistake number 1. Using freehand method over grid lines. Beginners बहुत बार ये गलती करते हैं कि वो अपने पेपर पे grid lines तो बना देते हैं लेकिन उसके ऊपर भी freehand lines बना देते हैं, मतलब center line बना देते हैं face की और eyes के लिए line बना देते हैं, पर पता नहीं क्यों, जबकि उन्हें बिल्कुल सही से पता लग रहा होता है अपने grids की वजह से कि उनकी eyes कहाँ पे आएंगी, उनकी nose कहाँ पे आएगी, उनकी lips कहाँ पे आएंगी, उनका पूरा structure कैसे बनेगा। ये बहुत बड़ी गलती है जो कि बिगनर्स को अपनी ड्राइंग में हटा ही देनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, ड्राइंग ग्रिड लाइंस टू डार्क। मतलब बिगनर्स अपनी ग्रिड लाइंस को इतना ज्यादा डार्क बना देते हैं जिसकी वजह से अगर वो एक अच्छे से ड्राइंग बना भी लें फिर भी उनकी ड्राइंग अच्छी नहीं लगेगी, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि वो ग्रिड लाइंस अच्छे से इरेज नहीं हो पा रही और वो ग्रिड लाइंस साफ साफ दिख रही है पेपर के ऊपर। मिस्टेक नंबर 3, ड्राइंग ग्रिड्स ऑन डिफरेंट साइजेस ऑफ पेपर। मतलब मान लेते हैं कि तुम्हें A3 साइज के पेपर पे एक ड्राइंग बनानी है और तुम A4 साइज के पेपर पे प्रिंट निकाल रहे हो और उसी पे ग्रिड्स बना रहे हो, तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम उसकी प्रोपोर्शंस निकालने बैठोगे, उसकी जजमेंट करने बैठोगे कि वो ये A4 साइज पे और ये A3 साइज पे इसका डबल बनाना है, तो फिर तुम वैसे ही कन्फ्यूज हो जाओगे। इससे बढ़िया ये है कि तुम एक ऐप डाउनलोड कर लो जिस पे तुम अपनी फोटो पे ग्रिड्स डाल सकते हो और उसे सेव कर लो अपनी इमेजेस में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रिड्स वाली ऐप में ग्रिड्स आगे पीछे हो जाते हैं कई बार। फोर्थ मिस्टेक है मेकिंग ग्रिड्स मोर देन नीडेड। मतलब कि तुम एक A4 साइज के पेपर पे ड्राइंग बना रहे हो और तुम उसमें भी एक एक सेंटीमीटर गैप पे ग्रिड्स लाइन ड्रॉ कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारे पेपर बहुत ज़्यादा ग्रिड्स लाइन से भर जाएगा और तुम्हें ड्राइंग बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये मिस्टेक मैं भी पहले करता था पर जब से मैंने छोड़ा तो फिर मेरी ड्राइंग ठीक होने लगी है। मैं उन बॉक्सेस में खुद कंफ्यूज हो जाता था कि इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में क्या आएगा, और अगर तुम ऐसा करते हो तो डेफिनेटली तुम भी होते होगे। फिफ्थ मिस्टेक है रुको, ये एक मिस्टेक से ज़्यादा एक सजेशन है, और ये सजेशन है कि तुम ग्रिड्स का यूज़ करो अपनी ड्राइंग को बनाने के लिए, तो फिर तुम ये मत सोचो कि तुम एक फेस बना रहे हो, एक स्टिल लाइफ ड्राइंग बना रहे हो या फिर एक लैंडस्केप या फिर और कुछ भी, क्योंकि ऐसा सोचने से तुम्हारा माइंड प्रोसेस करेगा कि मैं तो एक फेस बना रहा हूँ, एक लैंडस्केप बना रहा हूँ या फिर एक स्टिल लाइफ ड्राइंग, जिसकी वजह से तुम ना चाहते हुए भी ये प्रोसेस करने लग जाओगे अपने अंदर कि ये लाइन ऐसे आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए, या फिर ये आइज इतना गैप आएगा या फिर ऐसे। पर जब भी तुम ग्रिड्स का यूज़ करो तुम सिर्फ एक बॉक्स को देखो जिसमें तुम ये भी ना देखो कि तुम एक आई बना रहे हो, नोज बना रहे हो या फिर एक स्टिल लाइफ का पूरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तुम्हें बस इतना देखना है कि उस बॉक्स में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि जब तुम्हारे माइंड को पता चल गया कि तुम ये एक आई बना रहे हो तुम्हारा माइंड खुद से सोचने लग जाएगा कि आई का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मुझे ऐसा बनाना चाहिए। इसलिए तुम पूरे पेज को देखने के बजाय सिर्फ एक बॉक्स को देखो जिसकी वजह से तुम्हारी ग्रिड्स में ड्राइंग और अच्छी बन जाएगी। और एक बोनस टिप भी सुन दो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम ग्रिड्स के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो तो फिर तुम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो ग्रिड्स को छोड़ने के लिए और तुम फ्री हैंड ड्राइंग भी अच्छे से बना पाओगे। फिर तुम्हें ग्रिड्स को लेवल में डिवाइड करना होगा, मतलब मान लेते हैं कि तुम आज 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे एक पेपर पे ग्रिड्स बना रहे हो, पर तुम्हें अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के उसे डबल करना पड़ेगा, मतलब 4 सेंटीमीटर का करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी डिपेंडेंसी ग्रिड्स के ऊपर छोड़नी है तो। और जब तुम 4 सेंटीमीटर वाले ग्रिड्स पे ड्राइंग अच्छे से बनाने लग जाओगे तो फिर तुम 8 पे कर सकते हो और फिर 16 पे और फिर डबल ऐसे कर करके तुम अपने ग्रिड्स की डिपेंडेंसी छोड़ सकते हो आराम से। तो ये थी आज की वीडियो, क्योंकि ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लगातार इस पेज पे आता रहता है तो इसको फॉलो कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाना क्योंकि तुम्हें पता लगेगा न्यूज़ के बिना। टिल द न्यू वीडियो, डू प्रैक्टिस, टेक केयर एंड इम्प्रूव योर ड्राइंग।